अनजाने में किए गए पाप से बचने के लिए जीवन में एक नियम बना लीजिए। क्या? जब आप घर में भोजन बनाएं तो पहली रोटी गौ माता को खिलाने का स्वभाव बनाइए। अगर आप रोज गाय को भोजन कराते हो, गौ माता को रोटी खिलाते हो, तो ये किसी यज्ञ से कम नहीं है। आपके घर में गाय है, सौभाग्यशाली आप लोग तो गौ पालन कर रहे हैं। गाय को रोज रोटी खिलाइए, गौ सेवा करिए। गौ सेवा करने से एक यज्ञ करने का फल मिलता है। दूसरे नंबर में कहा, अग्नि में हवन किया करिए, ये महायज्ञ है। तीसरे नंबर में कहा, चींटियों को पक्षियों को कुछ अन्न डाल दीजिए। शक्कर डाल सकते, चावल के दाना डाल सकते, गेहूं के दाना डाल सकते, ये भी एक यज्ञ समान है। और चौथे नंबर में अतिथि सेवा करना भी यज्ञ समान है। पांचवे नंबर में कहा, संत सेवा करना भी महायज्ञ समान है। अगर ये पांच यज्ञ आप घर में करते हैं तो अनजाने में किए गए पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। आगे राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु जीवन में बड़ा पाप अगर हो जाए, उससे बचने के लिए कोई उपाय अगर हो तो बता दीजिए ना। तब सुखदेव जी कह रहे हैं, महाराज हम आपको एक प्रसंग सुनाते हैं। भगवान के नाम अगर व्यक्ति लेता रहता है, भगवत नाम उच्चारण करता है, तो वो नरक से बच जाएगा। भगवान नाम की महिमा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, कन्यकुब्जे द्विजाह कश्चित् दासी पति रजा मिला, नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषितः। एक अजामिल नामक व्यक्ति है, वो ब्राह्मण है। वो पहले तो भगवान को याद करता था, लेकिन जीवन में अगर कुसंगत में व्यक्ति पड़ जाए तो जल्दी उसका मति खराब हो जाता है। एक वेश्या का संग किया, उससे विवाह करके घर लाया, और जैसे उसके साथ रहने लगा, अजामिल धीरे 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 भगवान को भूल गया। संग का प्रभाव इसके जीवन में इस प्रकार पड़ा, ये चोरी करने लगा, दूसरों को डराने लगा। अजामिल जैसे घर से निकलता था तो बच्चे भयभीत होते थे, कांपते थे, भागते थे। और एक दिन साधु के मंडल, साधु संत भजन कीर्तन करते हुए जा रहे थे, रात्रि विश्राम करने के लिए एक गांव में पहुंचे और किसी से पूछते हैं कि यहाँ अगर कोई भक्त का घर हो तो हमको बताइए, हम भक्त के यहाँ एक रात विश्राम करना चाहेंगे, भोजन करना है। तो किसी ने कह दिया, जाइए यहाँ पास में एक भक्त का घर है, उसका नाम है अजामिल। भक्त नहीं था, भगवान को अब मानता ही नहीं, वो तो गलत काम करना प्रारंभ कर दिया। किसी ने कह दिया, साधु मंडल वहां से चले गए, संत लोग चले गए। उसके घर में पहुंचते हैं, अजामिल घर पर उपस्थित नहीं था। पत्नी मिली, पत्नी से कहते हैं कि हम आपके घर में भोजन करेंगे, इसलिए आप भोजन बनाइए। पत्नी बोली, महाराज क्षमा करिए, भले ही हम भक्त नहीं हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे महाराज, हमारे घर में अच्छा भोजन नहीं बनता, सात्विक भोजन हम लोग ग्रहण नहीं करते, इसलिए आपको हम भोजन बना करके नहीं खिला सकते, अजामिल की पत्नी बोली। तब संतों ने कहा, ठीक है, हम आपके घर में तो आ ही गए हैं, हम आपके घर में आए इसका भी कोई भगवान का मर्जी होगा, इसलिए एक काम करिए, आप भोजन मत बनाइए, हमें सूखा अन्न दीजिए, हम स्वयं भोजन बना करके पाते हैं। तो सूखा आटा दे दिया, चावल दे दिया,
तो संतों ने अपने हाथों से भोजन तैयार किया और लाइन लगा करके बैठ गए और पंगत में बैठ करके भोजन पा रहे हैं। तो इतने में दुष्ट अजामिल आया, स्वयं के घर में संतों को देख करके भंडारा चल रहा है, अच्छे से प्रसाद पा रहे हैं, तो उसको बड़ा क्रोध आया। पूछता है, आप लोग कौन, कहां से आए और मेरे घर में खाने का अनुमति किसने दिया? बड़ा क्रोध में बोला। संत लोग बोले कि बेटा, आपकी पत्नी से हमें अनुमति मिला, इसलिए हम भोजन पा रहे हैं। अजामिल को बड़ा क्रोध आया, कहता है जल्दी खाओ और यहां से निकलो। संतों ने भोजन किया, संतों ने विचार किया कि हमने जिसके घर का अन्न खाया है उसके ऊपर कृपा करना हमारा कर्तव्य है। अगर आपके घर में संत आए तो सम्मान करना, जितना हो सके सेवा करना, क्योंकि साधु संत कभी किसी के भी घर में जाए उस घर का कल्याण किए बिन वहां से नहीं जाते। अगर संतों ने आपके घर का प्रसाद पाया है तो निश्चित है तुम्हारा कल्याण होगा। प्यार से बोलो। अजामिल को देखा संतों ने, विचार किया, हमने इसके घर का अन्न खाया है, कल्याण करना हमारा धर्म है। साधनोति परम कार्यम इति साधु, बिगड़े हुए को जो सुधार दे वही तो साधु है। जो हर प्राणी में समभाव से देखे वही साधु है। आज अजामिल से सवाल कर रहे हैं, अजामिल अपमान कर रहा है, फिर भी संत ने पूछा, बेटा ये बताओ तुम्हारे घर में बच्चे हैं? अजामिल बोला, हाँ हमारे घर में बच्चे हैं और एक बालक तो अभी गर्भ में है, वो आया नहीं अभी। तो संतों ने कहा, बेटा बस एक काम कर देना, जब बालक पैदा होगा तो उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने जैसे सुन लिया, कहता है हम क्यों रखें नारायण, हमारा बेटा होगा तो हम अपनी मर्जी से रखेंगे, आपके कहने से थोड़ी होगा। जोर जोर से चिल्लाता, पत्नी भीतर से आई, पत्नी को पता चल गया किस बात पर पति क्रोधित है। तो पत्नी बोली, क्या हो गया, नारायण रख देंगे, अगर इन्होंने कह दिया है तो बालक का नाम नारायण रखेंगे। अब पत्नी ने जैसे कहा, अजामिल बोला ठीक है, पत्नी ने बोल दिया तो तुरंत मान गया। और आज संत के आदेश को पा करके साधु संत तो वहां से चले गए और जो बालक हुआ उस बालक का नाम रखा गया नारायण। अब सबसे छोटा बेटा इतना प्यार अजामिल करता था, हर समय हर पल नारायण को याद करता था। ए नारायण इधर आ जाओ, चलो मेरे साथ बैठ के भोजन करो, मेरे साथ इधर चलो, हर जगह उसको लेके जाता था, हर समय नारायण 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 बोलता रहता था। अब एक दिन अजामिल वृद्ध हुआ, सैया में लेटा हुआ है, तो उसके बाद में सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन अजामिल का अंतिम समय आया, बेड पर लेटा है और उसको सामने यमदूत दिखाई दिए, भयानक यमराज के दूत, अत्यंत विकराल स्वरूप है। अब उसने सोचा कि ये इतने डरावने हैं, जिनको देख करके मैं इतना डर रहा हूं, मेरा छोटा बेटा नारायण कितना डर रहा होगा। जोर से बुलाता है, नारायण इधर आ जाओ। तो इतने में वहीं से भगवान नारायण के दूत भी जा रहे थे, जैसे नारायण शब्द सुन लिया तुरंत उपस्थित हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। नारायण भगवान के पार्षद उपस्थित हुए, अजामिल ने जैसे देखा भगवान के दूत और यमराज के दूत आपस में संवाद करने लगे, बातचीत कर रहे हैं। यमदूत कहते हैं ये पापी है, इसको हम लेके जाएंगे। भगवान के दूत कहते हैं ये पापी नहीं है, इसने भगवान का नाम उच्चारण किया, इसको तो हम लेके जाएंगे। आपस में खूब बातचीत होने लगा। तो उसके बाद यमदूत कहते इसने जीवन भर पाप किया, इसने अच्छा काम नहीं किया। ये नारायण बुलाता तो था भगवान को नहीं, अपने पुत्र को बोलता था, पुत्र को याद करता था। तो यहां पर भगवान के पार्षद कह रहे हैं,
सांकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा वैकुण्ठनामग्रहणा मसेसाघहरं विदुः। देखिए सांकेत्यं पारिहास्यं वा, इसने भगवान का नाम उच्चारण किया, भले इसने बेटा को बुलाया हो। भगवान का नाम तो ऐसा है, व्यक्ति जैसे भी उच्चारण करे, अच्छे मन से करे, क्रोध में करे, आलस में करे, हर भाव में अगर मनुष्य भगवत नाम उच्चारण करता है तो वो नरक तो नहीं जाएगा। इसलिए आज अजामिल ने भगवान का नाम उच्चारण किया था, भले बेटा को बुलाया हो, इसी कारण से अजामिल नरक जाने से बच गया। इसने जिस भाव से भी नाम उच्चारण किया, नाम तो उनका है ना, इसलिए कहते हैं कि अपने बच्चों का नाम अच्छा रखो।